अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी शोएबी सईद। अगर आप लोगों ने अभी तक शोएबी सईद व्लॉग इंजॉय नहीं किया तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और करें शोएबी सईद व्लॉग इंजॉय। मैंने अपनी रूटीन चेंज कर दी है, आज से मैं जल्दी उठूँगा सुबह। तो अभी 10 बज रहा है, मेरी अभी आँख खुली है, तो अब मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने। रूटीन चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि काम ज़्यादा होता है, फिर मैं 1 बजे उठता हूँ, फिर शॉप जाता हूँ, फिर टाइम नहीं होता मेरे पास और काम करने का। इसलिए मैंने सोचा कि आज के बाद से मैं जल्दी उठूंगा। तो आज के व्लॉग करते यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। नाश्ता आ चुका है और नाश्ते में मामा ने मुझे दिया है पराठा और चिकन का सालन। अब मैं जल्दी से नाश्ता कर लूँ, फिर उसके बाद फ्रेश होऊंगा, फिर मुझे जाना है शॉप। नाश्ता कर चुका हूँ और लाइट भी चली गई है, लाइट नहीं है तभी रूम अंधेरा हो रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा शॉप। अभी शॉप से आया और अभी तक लाइट नहीं आई है, और मैं अभी जा रहा हूँ शेरशाह, वहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ की शॉप वगैरह है। तो उन्होंने कहा है कि यार वहाँ पे ना आईफोन टैबलेट और लैपटॉप वगैरह ना बहुत ही सस्ते में मिलता है आईफोन कंपनी का। तो मैंने कहा चलो व्लॉग ही बना लेता हूँ और रेट वगैरह भी पूछ लेता हूँ और आप लोगों को भी रेट वगैरह पता चल जाएगा। तो अभी मैं उधर जा रहा हूँ। शेरशाह के अंदर इंटर हो चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ कंपनी ही कंपनी है बस। अभी हम लोग जा रहे हैं शॉप जहाँ पे आईफोन मिलता है, तो चेक करते हैं क्या रेट में मिल रहा है और कैसा मिल रहा है। अभी तो यहाँ पे सिर्फ धूल मिट्टी और कंपनी है बस, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। पहुँच चुके हैं, ये पूरी मार्केट है। अभी अंदर जाते हैं, चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें। इस्त्री वगैरह रखे हुए ये सारी चीज़ें, और अंदर जाते हैं, अंदर चेक करते हैं। वहाँ पे तो सारे पार्ट्स वगैरह का सामान है। इधर चेक करते हैं परफ्यूम वगैरह भी है, और क्या है इधर, ये सारे परफ्यूम्स वगैरह। इस पे ना मुझे एयर ड्रायर भी लेना है, देखता हूँ एयर ड्रायर है या नहीं है। तुम बोल नहीं सकते। इधर रिंग लाइट भी पड़ा हुआ है, और अभी एयर ड्रायर निकाला है, इससे पूछते हैं क्या प्राइस इसकी। हाँ लड़के, हाँ क्या प्राइस है इसकी? 2000 रुपये। ओहो, वापसी रख दी थी इसको। इनसे पूछना है ड्राइवर, ये पूछते हैं ये क्या प्राइस इसकी। 1000 1500। और इससे बड़ा वाला कौन सा? नहीं वो तो बहुत बड़ा। ये इससे छोटा। हाँ छोटा सही देता हूँ। वो छोटा वाला कोई नहीं दिखाना है। ये 1500 रुपये का और वो 1000 रुपये का। अरे ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ये ख़राब नहीं हुआ। बाकी ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का खिलौना। यहाँ पे इतना रश लग गया, यही है मोबाइल की शॉप। इधर चेक करते हैं, इधर बहुत ज़्यादा ही रश है। और आप लोगों को मैं कैमरा भी दिखाता हूँ, इधर कैमरा वगैरह भी है। चल कर भाग, चल भाई हमारा व्लॉग स्टार्ट हो गया। ये 6 है भाई, क्या रेट है इसका? वहाँ पे देखा, वहाँ पे समझ नहीं आया। अभी हम लोग किसी और शॉप जा रहे हैं, उधर चेक वगैरह करते मोबाइल। ये मिला हमें शॉप, कंप्यूटर और कैमरा और मोबाइल का, इधर चेक करते
बड़ा वीआईपी बना हुआ है। नहीं इनके पास इधर नहीं मिला। अभी सारा इधर देखा समझ नहीं आया। अभी जा रहा हूँ मैं घर में, फिर आप लोगों को घर जाके बता दूँ क्या क्या चीज़ मिल रहा था और क्या क्या नहीं। अभी अभी पहुँचा हूँ घर पे और फ्रेश वगैरह होकर, और मैं आप लोगों को बताते हुए चलूँ। अगर आप लोगों ने शेरशाह का सोचा हुआ है कि वहाँ से जाके मोबाइल लें तो बिल्कुल हरगिज़ ना जाएँ। अगर किसी को आईफोन 6 लेना है तो आप लोग जाके लें, क्योंकि जितने भी आईफोन 6 है ना वो सारा ओरिजिनल है। बाकी ये जितने भी XR हो गए, 10 हो गया और 11, 12, यहाँ तक के 14 Pro का मैंने रेट पूछा तो वो मुझे बोल रहा 35,000 रुपये, 256 GB 35,000 रुपये का वो मुझे बोल रहा था। उसने मुझे व्लॉग बनाने नहीं दिया, ज़्यादातर उधर मना कर रहे थे कि नहीं बनाओ, तो इस वजह से नहीं बना। 14 Pro वो मुझे बोल रहा था, लेकिन वो तुर्की का कॉपी था, चाइना कॉपी, दुबई कॉपी भी उधर चल रहा है 30,000 रुपये में। अब जो आईफोन यूज़ करते हैं ना ओरिजिनल, वो तो उठाते साथ ही ऑन करेगा, पहचान जाएगा कि मोबाइल सही है या ख़राब है। बाकी आप लोगों को कुछ भी चीज़ लेना आप लोग जाएँ, काफ़ी अच्छा अच्छा मिलता है। लेकिन अगर आईफोन वगैरह लेना हो तो वहाँ से नहीं लें। सिर्फ 6X हो गया और 7 भी सही मिल रहा और 8 भी सही मिल रहा, ओरिजिनल है उसमें कोई नहीं है। क्योंकि ओरिजिनल आप जब यूज़ करेंगे आपको पता चल जाएगा ओरिजिनल है या कॉपी है। लेकिन 6, 7 और 8 वहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन जितना भी 12 हो गया, 14 हो गया वहाँ से नहीं लेना आप लोगों ने, क्योंकि वहाँ जितना भी आया वो सारा कॉपी है। कोई तुर्की का है, कोई चाइना है, कोई दुबई है, सब चीज़ें ख़राब है। मुझे बस मैं गया था अपने ब्रदर इन लॉ के गोदाम, फिर वहाँ से उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे जाना है आईफोन वगैरह के रेट्स वगैरह लेने, तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो वहाँ पे गए, सब जगह के रेट्स वगैरह ली। ज़्यादातर ने व्लॉग बनाने नहीं दिया कि नहीं यार आप कैमरा ऑफ करो, मैंने कहा कि अच्छा। और आईफोन अगर 6 आप लोगों ने लेना है तो 64 GB वहाँ से आप लोगों को 9,000 रुपये में मिल जाएगा। आईफोन 6 64 GB 9,000 रुपये में वो रेट लिया था। मैं व्लॉग बनाया, आप लोगों ने पीछे क्लिप देख ही लिया होगा कि मैंने जब उससे रेट पूछा तो उसने कहा कि यार वीडियो बंद करो, तो मैंने वीडियो बंद कर दी थी। तो ये सब सारी चीज़ें थी आप लोगों ने अगर मोबाइल लेना तो, और अगर कोई और चीज़ लेनी है ना तो आप लोग जाएँ, काफ़ी अच्छी अच्छी मिलती है वहाँ पर और अच्छे रेट पर भी मिलती है। और तो अभी मैं जा रहा हूँ वीडियो वगैरह अपलोड करना है, वीडियो एडिट भी नहीं किया था, अभी थोड़ी क्लिप बाकी है वीडियो एडिट करने की। तो लैपटॉप लेकर आता हूँ, अपनी वीडियो वगैरह एडिट करता हूँ, फिर उसके बाद अपलोड करूँगा। व्लॉग एडिट करने बैठ चुका हूँ और अभी ये हाफ़ जो था हाफ़ रात को एडिट कर दिया था, और हाफ़ नहीं किया था क्योंकि उसमें कुछ मसला हो रहा था। इस वजह से मैंने कहा था कि दिन में कर दूंगा, तो दिन में तो टाइम मुझे नहीं मिला। अभी मैं बैठा हूँ इसको एडिट करने के लिए, अभी जल्दी से इसको मैं एडिट कर लूँ, फिर इसके बाद इसको मैं अपलोड करूँगा 8 बजे रात को। वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैं अब इसको लगा चुका हूँ सेफ़ होने के लिए, ये सेफ़ होगा। और आप लोगों को एक और बात बताते चलूँ कि मैं अब यूट्यूब अपने चैनल पे शॉर्ट्स वगैरह भी डाल रहा हूँ, तो अभी ये करने के बाद मैं शॉर्ट्स अपलोड करूँगा, फिर उसके बाद रात को 8 बजे मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा व्लॉग वाला। तो अभी शॉर्ट्स अपलोड करना, ये जब तक सेफ हो रहा तब तक मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा बाहर फ्रेश वगैरह हो जाऊँ, क्योंकि मैं वहाँ से आया हूँ ना बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हुआ। वीडियो वगैरह अपलोड करने पर लगा चुका हूँ, अभी ये थोड़े देर में अपलोड हो जाएगा। इसको मैंने प्रीमियर में लगाया और मलाइका मेरे पास खड़ी हुई। क्या चाहिए मलाइका, क्या मांग रही थी मामू से, क्या खाना है, चीज़ खाना है? चले भाई मलाइका को चीज़ खाना। अब मैं इसको तो लेकर नहीं जा सकते, इसको मैं पैसे देता हूँ, ये जाके ले लेगी। मलाइका कितने चाहिए, मलाइका मलाइका पैसे के चाहिए, चीज चाहिए। इसको मैं सबसे पहले पैसे निकाल के दूँ, ये लो जाओ, एक आपका एक आपी का, ठीक है जा रही है, आराम से जाना गेट ऑफ करके। अब ये अपलोड हो जाएगा और अब मैं जा रहा हूँ किसी बहुत ही पर्सनल काम करने। तो अभी मैं ये क्यों लगा रहा हूँ काम करने, तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ठोक दे, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।